Exercise 6.1, question number 2. Draw the rough sketch of triangle ABC in which BE is the median. इसमें हमको डायग्राम बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल का यूज करना है. यह है ट्राइंगल ABC, स्केल और पेंसिल की हेल्प से बनाएंगे. बी इज द मीडियन, बी से बी मीडियन कैसे ड्रॉ करेंगे हम. एसी का मिड पॉइंट ले लेंगे ई और बी से ई को मिला देंगे. ये बी ई क्या है, मीडियन और ट्राइंगल एबीसी. इन ट्राइंगल पीक्यूआर, पीक्यू एंड पीआर बोथ आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल. पीक्यू पीआर दोनों में हमको पी पॉइंट दिख रहा है, तो ये है वो पी पॉइंट और ये 90 डिग्री का एंगल हम पी पर बना देते हैं. तो पी क्यों क्या है, एक एल्टीट्यूड है. एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री का एंगल बनाए सेकंड साइड पर. और दूसरा एल्टीट्यूड है पी आर, तो पी आर भी एल्टीट्यूड है. ये किस पर परपेंडिकुलर है, क्यों पर, पी पर. और पी क्यू किस पर परपेंडिकुलर है, पी आर पर. तो इस डायग्राम में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में पी क्यू और पी आर दोनों ही एल्टीट्यूड हैं. क्वेश्चन नंबर 2, सी पार्ट. इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, वाई एल इज एल्टीट्यूड इन एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल. वाई से वाई एल परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो ट्राइंगल से बाहर जाए. ट्राइंगल से भी बाहर एल्टीट्यूड कब होता है, वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. तो इसमें एक एंगल हम 90 से ज़्यादा का बनाएंगे, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल. और इस ट्राइंगल को कहेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. अब इसमें y को हम x, y, z, y को ऊपर की ओर रखा और y से जब हम परपेंडिकुलर ड्रा लेंगे और ट्राइंगल से बाहर जाएगा कैसे, इसमें x, z को हम डॉटेड आगे बढ़ा देंगे थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ स्केल और y से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. इसको भी हम डॉटेड ड्रॉ करेंगे, तो इस परपेंडिकुलर का नाम है वाई एल. तो वाई एल परपेंडिकुलर हो गया एक्स जेड के ऊपर. ये एक्स जेड के ऊपर परपेंडिकुलर है, एक्स जेड को आगे बढ़ाना पड़ा. ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, परपेंडिकुलर ही एक्स जेड पर ही है. एक्स जेड को आगे प्रोड्यूस किया हमने. क्वेश्चन नंबर 3, verify by drawing a diagram if the median and altitude of an isosceles triangle can be same. हमको एक डायग्राम बनाकर वेरीफाई करना है कि isosceles triangle के median और altitude same होते हैं. तो ये isosceles triangle है, इसमें side AB और AC equal कर लेंगे हम. मान लीजिए हमने BC ले ली 8 cm, ए बी को हम 6 cm लेंगे और साइड ए सी को भी 6 cm लेंगे. सबसे पहले हम ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए एम. ए एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी. इस ए एम को हम एल्टीट्यूड कहेंगे. ए एम इज एल्टीट्यूड. ए एम इज एल्टीट्यूड. अब हमको ये देखना है क्या ए एम मीडियन भी है. तो अब हम बी एम और एम सी को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल. बी एम और एम सी हमको इक्वल मिलेंगे, दोनों 4-4 cm मिलेंगे. इसका मतलब एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी. इट मीन्स एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी. अगर एम बी सी का मिड पॉइंट है तो इट मीन्स ए एम इज मीडियन. इट मीन्स इस एरो मार्क का मतलब होता है इट मीन्स या इट इम्प्लाइज दैट ए एम इज मीडियन फ्रॉम ए. ए से ड्रॉ की गई है मीडियन है. तो ए एम एल्टीट्यूड भी था आइसोसेलस ट्राइंगल में और ए एम मीडियन भी है. इसका मतलब आइसोसेलस ट्राइंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होता है. इट मीन्स एल्टीट्यूड
and median in isosceles triangle is same. Altitude and median in isosceles triangle is same, और यही हमको verify करना था, hence verified. Hence very tight. तो आज आप क्वेश्चन टू और थ्री में जितने भी फिगर हमने बनाए सभी पेंसिल और स्केल की हेल्प से बनाएंगे. नीट एंड क्लीन फिगर होने चाहिए. ए बी सी जहाँ लिखना पड़े, जहाँ सिंबल बनाने पड़े सिंबल भी बनाने हैं, कहीं मेजरमेंट लिखनी हो मेजरमेंट भी लिखनी है. ओके, थैंक यू.